ये देश के अंदर जिस महंगाई को खत्म करने के नारे के साथ मोदी सरकार ने दिल्ली में सत्ता को संभाला था। गोलागतनी समाचार बक्सर से बारी रिपोर्टर बनी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी, वाम दल के आह्वान पे अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन कैलस, पेट्रोल डीजल आ रसोई गैस के कीमत कम करे सरकार, अजीत कुशवाहा कहले। खबर का बा विस्तार से जानी, कोरोना के महामारी भरल दौर में महंगाई तोड़ के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत बक्सर में वाम दल के संयुक्त बैनर से विरोध प्रदर्शन निकालल गई। विरोध मार्च बक्सर रेलवे स्टेशन से निकल के मेन रोड हो ज्योति चौक पहुंचल। ज्योति चौक पे पहुंच के सभा में तब्दील हो गई। मार्च के दौरान कार्यकर्ता बढ़त बेतहाशा महंगाई के खिलाफ गुस्सा में दिखलन, आक्रोशपूर्ण नारा लगावत दिखलन। ज्योति चौक पे आयोजित सभा के डुमराओं के लोग विधायक सह माले, राज्य कमेटी के नेता अजीत कुशवाहा, पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह, भाकपा माले के बक्सर जिला सचिव नवीन कुमार, सीपीआई के जिला सचिव बालक दास, सीपीएम के जिला सचिव भगवती प्रसाद संबोधित कैनी। वक्ता लोग कहल कि कोविड के तबाही भरल दौर में जनता के क्रय शक्ति बढ़ावे के बजाय मोदी सरकार पेट्रोल डीजल आवश्यक वस्तु के कीमत के लगातार बढ़ा के उनका जीवन के और भी गहरा संकट में डाल दिले बिया। 2 मई 2021 के आई विधानसभा चुनाव परिणाम से लेके अब तक सरकार कम से कम 21 बार पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ेले बिया। ई माले कार्यकर्ता माले वक्ता लोकल हालत ई बा कि डीजल आ पेट्रोल के कीमत 100 रुपया के पार हो गई बा, जबकि डीजल के कीमत बढ़े से सीधा महंगाई बढ़ेला। सरसों तेल के कीमत भी 200 के पार कर रहा बा। खाद्य पदार्थ के मूल्य में अप्रैल महीना में 5% प्राथमिक स्तर के, वस्तु के मूल्य में 10 से 16% कोई गई बटुए। पेट्रोल पदार्थ के कीमत बढ़ावे के पीछे सरकार अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के भोकस तर्क देती है। 2018 में ये लोग बतावल कि 2018 में जब कच्चा तेल के कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 147 रुपया डॉलर प्रति बैरल रहे, तब हमारा देश में पेट्रोल के कीमत 45 रुपया प्रति लीटर रहे। ये बतैलें कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत मात्र $61 प्रति बैरल बा, तो हमारा देश में कीमत 100 के पार हो गई बा। बेतहाशा मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण सरकार द्वारा उत्पाद पर लगावल गई टैक्स बटुए। अभी सरकार पेट्रोल पे 60 और डीजल पे 54% टैक्स ले रहा बिया। जहाँ तक सरसों के सवाल बा, 2013-14 में 78 से 77 लाख टन के तुलना में 2020-21 में 10.47 लाख टन सरसों के उत्पादन भइल। सरकार ये बताए कि जब उत्पादन बढ़ रहा बा तो सरसों के तेल के कीमत 200 के पार काहे पहुँच गई, जबकि 2014 में सरसों तेल के कीमत 100 के नीचे रहे। सभा के बाद समरणालय जाके जिला पदाधिकारी के वाम दल के तरफ से एगो संयुक्त मांग पत्र दिया गई। यह कार्यक्रम में हरेंद्र राम, वीरेंद्र सिंह, जगनारायण शर्मा, वीरेंद्र यादव, ललन प्रसाद, अयोध्या सिंह, संजय शर्मा, धर्मेंद्र यादव, धनजी पासवान, कन्हैया पासवान, वीर बहादुर पासवान, रेखा देवी, रामदेव सिंह, जितेंद्र राम, बिमल जी, नीरज यादव, कृष्णा राम, महफूज आलम, भदेश्वर शाह, लक्की जसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। ये लोग हाथ में बैनर और पोस्टर भी ले रहे। बैनर पोस्टर में लिखल रहे कि डीजल पेट्रोल के कीमत में बेतहाशा वृद्धि वापस ले सरकार, रसोई गैस सही जरूरत के कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी पे रोक लगावे सरकार, बढ़त महंगाई पे रोक लगावे सरकार। ये प्रकार से सुनी बयान। जो लगातार मूल्य वृद्धि हो रहा है, इसके खिलाफ पूरे वामपंथी दलों का आज प्रदर्शन है बक्सर के ज्योति प्रकाश चौक पे। यहाँ इसमें उपस्थित भाकपा माले के जिला के सचिव कांग्रेस नवीन जी, सीपीआई के जिला सचिव, सीपीआईएम के जिला के जिला सचिव, पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह यादव जी, और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे छात्र व साथियों, किसान मजदूर दोस्तों, बताओ बहनों, ये देश के अंदर जिस महंगाई को खत्म करने के नारे के साथ मोदी सरकार ने दिल्ली में सत्ता को संभाला था, उसके राज में महंगाई में इतिहास के तमाम जो रिकॉर्ड रहे हैं उसको पार कर दिया। हम लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था 100 रुपये लीटर पेट्रोल खड़ा करके हमने हमें मोटरसाइकिल पेट्रोल हो गया। आज आमदनी घटी है आदमी की, कोरोना ने भयानक तरीके से नौकरियों को छीन लिया। कोरोना के वजह से बड़ी संख्या में लोग जॉबलेस हुए हैं, कई सारे जगहों पे कामकाज आज भी बंद चल रहा है।
आज भी मजदूर कारखानों में नहीं लौटे हैं, कारखाने नहीं शुरू हुए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आराम से नीचे गिरी हुई है। ऐसे दौर में जब आदमी की आमदनी खत्म हो गई है, ऐसे समय में बेतहाशा महंगाई एक आम आदमी के जिंदगी पर बहुत गंभीर सवाल है। आज एक आम आदमी रोज का सब्जी खरीद पाने में असमर्थ है, दाल और रोटी खरीदने में असमर्थ है। आज सोचना पड़ता है कि आज घर में सब्जी बनेगा कि नहीं बनेगा। सब्जी जब खरीदने आप बाहर जाते हैं तो इतनी महंगी सब्जी है, आज सरसों का तेल 200 रुपए से ज्यादा हो गया है। बताइए, हर व्यक्ति को सरसों का तेल, बिना सरसों के तेल का कोई खाना हमारे समाज में नहीं बन सकता।